अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का जन्नत की किसी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की स्टोरीज़ बहुत दिलचस्प और बहुत खौफनाक हैं। आज की पहली कहानी मेरे साथ तारिक ने शेयर की है। तारिक कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करने लगा हूँ। वो कहते हैं कि जितने भी लोग यानी कि जिनको फांसी होती है, उनको फांसी देने वाले और कोई नहीं, वो मसीही बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यानी हम लोगों की बिरादरी से ही वो शख्स होता है, ईसाई क्रिश्चियन होते हैं जो कि फांसी घाट पे लोगों को फांसी देते हैं। जब से ये सिलसिला जारी हुआ है, जब से ये सज़ा लोगों को मिलने लगी है, तब से मसीही बरादरी ही इस काम को जारी और सारी रखती है। हम लोगों के ख़ानदान से कोई ना कोई नया शख्स उस काम के लिए आ जाता है। वो कहते हैं कि उससे पहले अब जो लोग हैं, ये अब की बात नहीं है, आज से 50-60 साल पहले जो शख्स फांसी घाट पर लोगों को फांसी दिया करता था, वो हम लोगों के मोहल्ले का ही रहने वाला था। तारिक कहते हैं मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और बकायदा उनको इस काम के लिए चुना जाता है। वो जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं, जो भी होता है उसके बाद ये सिलसिला होता है और फिर इनको उस जॉब के ऊपर तैनात कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि वो जो शख्स था वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसको इस जॉब से उसका रिज़ाइन हो गया और उसके बाद किसी और हमारी बिरादरी के शख्स को उस काम के लिए चुन लिया गया। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि पहले जो पुलिस थाना था फैसलाबाद का, या आई थिंक उन्होंने नेम मेंशन नहीं किया, जिधर उनकी पहली दफ़ा पोस्टिंग हुई वहाँ पे, वो कहते हैं कि वो थाना काफ़ी पुराना हो चुका था और उधर उन्होंने उस थाने को छोड़कर नए थाने में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद वो जो जेल रोड था सारा और उधर जो फांसी का सिस्टम था, वो कहते हैं कि वो भी सारा उस थाने से, उस जगह से चेंज करके किसी और जगह पर कर दिया गया और उस चौकी को खाली कर दिया गया। वो कहते हैं कि उस चौकी के मुतालिक ये मशहूर था कि इधर जन्नत का बसेरा है, यानी जिस शख्स को फांसी दी जाती है, कुछ लोगों ने कहा जब वो थाना चेंज हो गया, वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, तो उधर लोग उन लोगों को देखते थे, वो जो पुलिस वाले थे जिनको उधर वो फांसी दे देते थे। ये बात बहुत हैरान कन थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उन लोगों की तो डेथ हो चुकी है और उनको फांसी दे दी गई है, उनके लवाहिकीन उनको ले जाते हैं, तो ये फिर उधर कौन नज़र आते हैं। बकायदा उस शख्स ने बताया, तारिक ने कहा कि वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने उधर कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी कि तुम इस सारे वकूए के मुतालिक देखो और बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि वहाँ पे वही लोग नज़र आते हैं जिनको फांसी दे दी गई है, इसमें क्या चक्कर है, कितनी सच्चाई है, ये सारा कुछ तुम हमें बताओ। क्योंकि वो कहते थे कि कुछ लोग इस तरह के भी होते थे कि ऐसी जगहों पे जन्नत को मशहूर कर देते थे कि वहाँ पर लोग मच जाएं, वहाँ पर वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ करने लग जाते थे, मतलब नशा करना और इस किस्म के काम। जब कुछ पुलिस वालों को उधर तैनात कर दिया गया इस काम के लिए, पुलिस वाले रात को उधर जाते थे, तो पुलिस वालों ने ये बताया कि उधर तो कोई भी जा ही नहीं सकता, वो जगह ही ऐसी है, इतनी इतनी बड़ी दीवारें हैं, हमें तो उधर कोई भी दूसरा शख्स हम लोगों के अलावा आते हुए नज़र नहीं आया, तो आप कैसे कहते हैं कि उधर कोई और जाकर ये काम करता होगा, चक्कर कुछ और है जिसके मुतालिक हम लोग पता करेंगे। वो कहते हैं कि हम लोगों ने पता करना जब शुरू किया, पुलिस वालों ने उधर ड्यूटी दी बाकायदा, तो रात के टाइम वो जो फांसी घाट की वो जो जगह थी, उधर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं, यानी कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। कहा जाता है, तारिक ने कहा कि वो जो फांसी घाट था वो अंग्रेज़ों के दौर का था। उसके बाद पुलिस वालों ने इधर आकर उस जगह को दोबारा से इधर एक थाना बना, चौकी बना दी गई। और वो कहते हैं कि फिर उसके बाद जब तारिक कहते हैं कि वो शख्स उधर ड्यूटी भी देता रहा, लेकिन वो कहते हैं कि उस दौरान जब फांसी दी जाती थी लोगों को, तो उधर कोई भी ऐसा वाकया नहीं होता था। उसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको जब उधर तैनात किया गया उस चीज़ के मुतालिक पता करने के लिए,
तो उन्होंने ये आकर बताया कि वहाँ पर उस फांसी घाट के अंदर से चीखों की आवाज़ें आती थीं। कुछ लंबे कद के शख्स फांसी घाट में चलते फिरते नज़र आने लगे। कहते हैं कि हम लोग इस कदर डर गए कि हम लोग उधर रहने का तसव्वुर भी नहीं अब कर सकते थे और उधर से जाना चाहते थे। तारिक कहते हैं कि उसके बाद वो जो शख्स था जो उधर वो फांसी घाट पर लोगों को फांसी देता था, यानी वही शख्स जो मुझे स्टोरी सुना रहा था, पुलिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम इस सारी चीज़ के मुतालिक पता करो और तुम बहुत बहादुर हो और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस मुतालिक सबसे ठीक रिपोर्ट तुम ही मुझे दे सकते हो। उस शख्स उधर चला गया। उसने उधर जाकर सारा देखा। शाम के टाइम जब वो उधर गया तो वो वैसे भी शख्स मसीह था और उसको जिन्नात निकालने का भी सारा पता था। उसने जाकर वहाँ पर कलाम पढ़नी जब शुरू की तो पता लगा कि वहाँ पर ढेर सारे जिन्नात का बसेरा है। कुछ जिन्नात बहुत पुराने दौर के थे, यानी अंग्रेज़ों के दौर के, और कुछ जिन्नात फांसी घाट पर जब लोगों को फांसी दी जाती थी तो वो जगह मनहूस हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जिन्नात उन लोगों के रूप में लोगों को डराने लगे, जबकि वो लोग तो मर चुके थे। वहाँ पे वो लोग कभी भी नहीं आ सकते थे। उस फांसी घाट के ऊपर अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। जब रात के टाइम कोई इस रोड से गुज़रता था तो बकायदा चीखों की आवाज़ें आती थीं। इतनी बुलंद चीख की आवाज़ आती थी कि लोग डर जाते थे। वो जेल रोड, यानी वो एक जेल रोड के नाम से मशहूर था, क्योंकि वहाँ पर उस फांसी घाट की वजह से लोग अब गुज़रना छोड़ गए। जो भी उधर से गुज़रता था जब वो चीख की आवाज़ सुनता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। कुछ लोगों से लोग उधर फांसी घाट यानी जेल के दरवाजे के आगे लिफ्ट मांगते थे। जब उनको लोग बिठा लेते थे तो वो लोग जब पीछे से पलट के देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत को उस फांसी घाट के दरवाजे के आगे देखा गया। एक लड़का जो कि बिल्कुल उस औरत को देखकर रात के टाइम थोड़ा हैरान भी हुआ और उसने कहा कि ये बूढ़ी औरत है और इतनी रात को इधर अकेली खड़ी है, मैं इसको इससे पूछता हूँ कि इसको क्या मसला है। तारे कहते हैं कि वो जैसे ही उसके पास गया तो उस औरत की शक्ल इस कदर भयानक हो चुकी थी कि वो लड़का वहाँ से भाग गया। वो पूरा जेल रोड मशहूर हो गया कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। वो फांसी घाट आज भी, तारीख कहते हैं, उस शख्स से हमें पता लगा कि वो अभी भी खाली है। उस फांसी घाट के ऊपर रात के टाइम चीखों की और डायनों की और चुड़ैलों की आवाज़ें आती हैं, यानी औरतों के भी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और ऐसे बहुत से वाक़यात उस रोड से लोगों के साथ होते हैं। और फिर अब उस रोड को छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अब उधर लोग रात के टाइम बिल्कुल भी रुख नहीं करते, इसलिए कि कहीं किसी के साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए, कोई वाकया पेश ना आ जाए। ये एक स्टोरी थी तारिक की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की फैसलाबाद से। तारिक कहते हैं कि मैं आपको उस फांसी घाट का नाम और उस जगह का नाम, उस शहर का नाम मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई है उन्होंने मुझे इस चीज़ से मना किया है। बहुत शुक्रिया तारिक अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी यूके से मेरे साथ शेयर की है असद मलिक ने। असद कहते हैं, मैं यूके का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ कुछ दिलचस्प वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आपसे कि आपके जितने भी लिसनर्स हैं वो इस स्टोरी को सुनकर, इन वाक़यात को सुनकर ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो कहते हैं कि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे एक ऐसे इंसान के कुछ दिलचस्प जिन्नात से रिलेटेड वाक़यात बताना चाहता हूँ। अगर आपके सुनने वालों को पसंद आए तो मैं नेक्स्ट भी इनसे मुतालिक इन वाक़यात को ज़रूर शेयर करूँगा। असद कहते हैं कि यूके में मेरे साथ एक इंसान, एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा उसने चिले किए हुए हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और वो जिन्नात के मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन रखता है। जहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड पे जहाँ पर भी जिन्नात हों उसको अगर कॉल करके लोग बुलाएं तो वो अगर आउट ऑफ कंट्री तो नहीं जा सकता लेकिन आउट ऑफ सिटी ज़रूर चला जाता है। एक दफ़ा जिस शख्स की ये कहानी है उसको पाकिस्तान से किसी शख्स ने लाहौर में आने की दावत दी और कहा कि हम आपके मुतालिक जानते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लाहौर में जन्नात के कितने टिकाने हैं। उस शख्स ने कहा, मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर मिलूँगा आकर। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया था। मैं उस शख्स के पास रोज़ जाया करता था। मैं उनका नेम मेंशन नहीं करूँगा। वो अभी भी यूके में हैं और अभी भी अपना ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। वो बहुत से लोगों की मदद करते हैं।
असद कहते हैं कि उस शख्स के पास इस कदर जन्नात है, वो जन्नात के मुतालिक इस कदर इंफॉर्मेशन रखता है जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं उसको मिलने के लिए गया तो उसके पास यूके से, यानी उधर जिधर हम रहते हैं, वहाँ से एक शख्स आया और उसने कहा कि यूके का एक कब्रिस्तान है जिसमें कहा जाता है बहुत ज़्यादा जन्नात है। वो जिन्नात इंग्लिश में बात करते हैं, क्या भला जिन्नात भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं? जिस पे उस शख्स ने कहा अगर जिन्नात उर्दू में या हिंदी में या पश्तो में बात कर सकते हैं तो वो इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते? जिन्नात को हर ज़ुबान आती है, वो जिस इलाके में रहते हैं वो हर ज़ुबान से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उनकी अपनी दो ज़ुबानें हैं जो कि उनकी मादरी ज़ुबानें हैं। उनमें से एक का नाम असद कहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, काफ़ी मुश्किल नाम थे, जिसमें से एक लैंग्वेज का नाम सामी था। वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज में जन्नात एक दूसरे से बात करते हैं जो कि इंसान नहीं समझ सकते। हर जन्नात की ये लैंग्वेज होती है, वो दो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंसान नहीं समझ सकते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने जन्नात को बात करते सुना, वो क्या ज़ुबान बोल रहे थे, हमें इसके मुतालिक समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि वो शख्स उनको उस जन्नात के कब्रिस्तान में, यानी उस कब्रिस्तान जो कि यूके में था, उधर ले गए। उन्होंने उधर जाकर देखा तो उधर बहुत ज़्यादा मुस्लिम जन्नात थे, हद से ज़्यादा। वो जो मुस्लिम जिन्नात थे, वो कबीले, जब उस शख्स को उन्होंने उधर देखा तो वो फौरन उसके पास आए और झुककर बहुत अदब से उस शख्स को सलाम किया। वो कहानी ये बताता है इसके मुतालिक कि जब उन्होंने मुझे सलाम किया तो उन जिन्नात ने कहा कि कुछ अरसे के बाद हम पाकिस्तान लाहौर में चले जाएंगे, यानी लाहौर में हमारे बहुत से कबाइल रहते हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और कुछ अरसे के बाद हम इस कब्रिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी जिन्नात ये लफ्ज़ उस शख्स को बोल रहे थे, और लाहौर में रहने लगेंगे। लाहौर पाकिस्तान का एक वो जगह है जहाँ पे जिन्नात की बहुत भारी अक्सरियत पाई जाती है, जहाँ पे जिन्नात इंसान के रूप में घूमते हैं। उन्होंने तीन कबीलों के नाम बताए, उन तीन कबीलों के नाम मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उस शख्स ने बताया कि इन जन्नात के कबीलों का नाम बनू अलहजान, बनू मार्च और बनू हाशिम के नाम से है। बनू अलहजान का जो कबीला है वो लाहौर में बहुत भारी अक्सरियत में रहता है, जो कि तमाम मज़ारात पर रहते हैं और मज़ारात पर इनकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत रहती है। ये कबीला जन्नात का बहुत ज़्यादा असर व वसूख रखता है। लाहौर जो कि कदीमी शहर है और बुजुर्गान का शहर है, यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्गों को मदफन किया गया है, तो वहाँ पर वो जन्नात उनके मज़ारात पर ही रहते हैं। बनू अलहजान के कबीले के जो जन्नात हैं, उस शख्स ने बताया कि उनकी उम्र 150 से 2000 साल तक है, और वो जिन्नात खामोशी से किसी को तंग किए बिना उन मज़ारात के ऊपर रहते हैं। शालामार बाग और ऐसी बहुत सी जगहें हैं वहाँ पर ये जिन्नात बनू अलहजान के कबीले रहते हैं। बनू मार्च और जो दूसरा कबीला है बनू हाशिम का, वो दराए रावी के किनारे अपनी बस्तियाँ लगा कर रहते हैं। वो भी इस्लामी जिन्नात हैं, यानी वो इस्लाम उनका मज़हब है। वो कहते हैं कि इस्लाम के बाद वहाँ पर जो जिन्नात रहते हैं वो हैं हिंदू और क्रिश्चियन, और वो जो हिंदू जिन्नात हैं, लाहौर में रहने वाले हिंदू लोगों के ही बस्तियों में वो जिन्नात वहाँ पर ही कायम पज़ीर हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद ये जो जिन्नात हैं, ये जो बारा दरी है वहाँ पर भी बहुत से नेक बुज़ुर्ग जिन्नात रहते हैं, और इनके साथ जाकर मैं बाकायदा बात करूँगा। फिर उसके बाद वो जो शख्स था वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान जाने के बाद वो इस बात को भूल गया कि किसी शख्स ने उसको दावत दी थी कि वो पाकिस्तान आए और जिन्नात के मुतालिक आकर, उनके ठिकानों के मुतालिक आकर हमें बताएगा। तो उस शख्स को जब पता लगा कि वही जो कि जिन्नात के मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन रखता है, वो शख्स पाकिस्तान पहुँच चुका है, तो वो उसने उससे रब्ता किया और उससे मिलने का टाइम बनाया। वो जब उसके पास मिलने के लिए गया तो उसके बाद उस शख्स ने उसको बहुत सी जगहें बताई, और उन्होंने कहा कि जिन्नात जब इंसान के रूप में आता है तो उसके बाद उसके ऊपर सारे वही कानून लागू हो जाते हैं जो कि इंसान के ऊपर होते हैं। अगर जिन्नात इंसान के रूप में हो
तो कोई शख्स उनके ऊपर हमला कर दे या उनको मारने की कोशिश करे तो इस तरह जिन्नात मर जाते हैं और वो फौरन से गायब भी नहीं हो सकते। ऐसी बहुत सी दिलचस्प कहानी है, ऐसे बहुत से किस्से उस शख्स से मैंने सुने। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इसके मुतालिक मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सुनने वालों के साथ और आपके साथ ये स्टोरीज ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया असद मलिक अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर, ये असद की स्टोरी थी। असद ने ये कहा है कि अगर आपको इससे मुतालिक जन्नात के कबाइलों के मुतालिक, जन्नात के बाकी जो भी उनकी ज़िंदगी के रख रखाव होते हैं उससे मुतालिक कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मैं इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो लिसनर, आपने ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है इस स्टोरी के मुतालिक, आप इससे मुतालिक और कुछ वाक़ात सुनना चाहते हैं कि लाहौर में कितने जन्नात और किधर किधर रहते हैं, वो इसके मुतालिक हमारे साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की तीसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर किया है मोहम्मद आसिफ ने कराची से। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं किंजार झील पर, आई थिंक मुझे सही से नाम नहीं आ रहा, तो वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गया हुआ था और हम लोगों को वापसी पे हम लोग काफ़ी लेट हो गए। वहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को 8 बज गए। हम लोगों ने अपने एक दोस्त को मिलने के लिए भी जाना था तो हम लोग मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते करते हम लोगों की गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया और जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ा। हम लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, कैसे अपने दोस्तों तक पहुँचें। उन्होंने ये बताया कि हमने अपने दोस्तों को जब कॉल की और कहा कि हम इस जगह पर खड़े हैं और हम लोगों की गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, तो हम लोग अपने दोस्तों के गांव से थोड़ी ही दूर थे। हम लोगों के दोस्त थोड़ी देर तक वहां पहुंचे और हम लोगों की गाड़ी को ठीक करवाया, टायर को ठीक करवाया और हमें अपने साथ अपने गाँव में ले गए। जब हम लोग उनके गाँव में पहुँचे तो उधर पहुँचने के बाद उनके घर में हमने खाना वगैरह खाया, वो रात हमने उधर ही रुकनी थी। तो मेरे दोस्त के जो अब्बू थे वो हम लोगों के पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि भूल कर भी इधर खजूर के दरख्त के पास तुम लोगों ने नहीं जाना, अगर तुम लोग उधर जाओगे तो वहाँ पर जन्नात बसते हैं और वो लोग तुम्हें तंग करेंगे। अब वो ये बात हमें कहकर चले गए। हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उस खजूर के दरख्त के थोड़े करीब ही जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। आसिफ कहते हैं कि लड़के थे हम लोग और हम लोगों ने उस बात की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हम लोग उधर बैठ के बातें करने लगे तो उस दरख्त के ऊपर से ढेर सारे पत्थर अचानक से गिरने लगे। गिरते गिरते वो पत्थर साइज में बड़े होते गए और वो पत्थर इस तरह आकर गिरे थे कि अगर किसी को लग जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हम लोग वहाँ से भागते हुए कमरे के अंदर आए और हम लोगों ने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारे अब्बू ने हमें मना भी किया था, इसके बावजूद हम उधर जाकर बैठे, अब हमें क्या करना चाहिए। आसिफ कहते हैं इतने में वो अंकल आए और उन्होंने हमें कहा कि अब तुम लोगों के लिए बेहतर ये है कि तुम लोग यहाँ से बाहर, यानी घर से बाहर चले जाओ। अगर तुम लोग घर के अंदर रहोगे तो वो जो जिन्नात हैं वो किसी जानवर का रूप लेकर तुम लोगों के सामने आएंगे और तुम लोगों को सारी रात तंग करते रहेंगे। वो कहते हैं कि हम लोग बाहर चले गए, उन्होंने हमारे लिए बाहर चारपाइयों का इंतज़ाम किया, हम लोग वहाँ उस खुले मैदान में सोए लेकिन सारी रात हम लोग डरते रहे। वो जो मेरे दोस्त के अब्बू थे और मेरे दोस्त, वो भी हम लोगों के साथ ही उन्होंने बाहर चारपाइयाँ डाली और हम लोगों ने सारी रात फिर उधर गुजारी। लेकिन सारी रात अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें उनके सहन से आती रहीं क्योंकि वहाँ पे जिन्नात थे और उनकी उस जगह पर जाना उनको गवारा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने सारी रात वो खौफनाक आवाज़ें भी निकाली। शुक्र है कि उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। ये एक स्टोरी थी मोहम्मद आसिफ की जो उन्होंने शेयर किया। आसिफ कहते हैं कि जैसी सुबह हुई हम लोग फिर कराची के लिए रवाना हो गए। तो ये आसिफ की स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया आसिफ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट अच्छी लगती है। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तहारत की हालत में रहें, नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक को अपना मामूल बना लें और अपने वालदैन की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें, उनकी दुआएं हमें
फर्श से अर्श तक ले जाती हैं। ये मेरा अच्छा मैसेज था, इस पर आप लोग ज़रूर अमल करते होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपके और आपके तमाम अहले खाना का और आपके वालदैन का अल्लाह हामी व नासिर हो।